चलो अपना एक्सरसाइज अपन कहाँ पे आ गए इस समय? सम वाला फॉर्मूला बताना है ना तुम लोगों को। हाँ चलो उसको तीन तरीके से यूज करना। उसके पहले वाली एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं, नहीं पूछना ना। चलो सम वाला फॉर्मूला। किसी गुणोत्तर श्रेणी के योगफल को कैसे निकालेंगे? तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल को निकालने के लिए फॉर्मूला है। पहली बात तो ये कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, तो जिसमें कि हमारे पास पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे ही डेड डेड सारे के सारे ये टर्म होते हैं, है ना। ये एक सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? एक गुणोत्तर श्रेणी। उस गुणोत्तर श्रेणी को अगर योगफल के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, एस एन और इन सभी पदों का योग, ठीक, इन सभी पदों का योग एन तक। तो इन सभी पदों का योगफल ऐसे तो कर नहीं सकते कि हर एक नंबर को रखें और फिर उसका योग निकालें, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। और फॉर्मूला निकालने के लिए अगर हम लोग इस वाली सीरीज पूरी सीरीज में आर का गुणा कर दें, ये वाले जो टर्म है, ये वाला जो योगफल का फॉर्मूला है, इसमें हम लोग क्या करें, आर का गुणा कर दें। ये इक्वेशन नंबर ए, आर की पावर एन लास्ट टर्म होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसको, आर को। तो उससे क्या बनेगा, ये बनेगा आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, मतलब हर एक टर्म में एक टर्म ऐड होता जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ए आर की पावर एन प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग माइनस कर दें, है ना, इक्वेशन वन में से माइनस कर दें किसको, टू को। ये हमेशा एक चीज याद रखना, समांतर श्रेणी की बात हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी की बात हो, अगर किसी एक नंबर से आप पूरे टर्म में गुणा कर रहे हो हर एक टर्म में, तो उससे उस समांतर श्रेणी पे या गुणोत्तर श्रेणी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी वजह से ये आर का गुणा अगर किया है तो इससे गुणोत्तर श्रेणी बदलेगी नहीं, क्योंकि आपका अगर फर्स्ट नंबर यहाँ पे दो था तो सेकेंड नंबर कन्फर्म, फिर उसके बाद अगर मान लो चार हुआ होगा तो उसके बाद आठ हुआ होगा। इनकेस अगर आप दो का गुणा करते भी हो तो ये चार बन जाएगा, ये आठ बन जाएगा, ये सोलह बन जाएगा, अभी भी ये गुणोत्तर श्रेणी में ही है, ठीक है। हर एक नंबर में दो का डिफरेंस है, मतलब दो का गुणा है। तो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी की बात करो चाहे समांतर श्रेणी की बात करो, उसमें किसी एक नंबर से गुणा करने पर वो बदलती नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकेंड में से माइनस कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें एस एन में से माइनस करना पड़ेगा आर ऑफ एस एन, और इसका हर एक टर्म कैंसिल होता चलेगा। कहाँ तक कैंसिल होगा कि इस वाले के आगे आपको सबके आगे माइनस लगाना है, तो जब माइनस लगाओगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा, और लास्ट में पूरे टर्म कैंसिल करते चलोगे, ये लिखा हुआ है ए आर की पावर एन प्लस वन और वहां पे लिखा हुआ है ए आर की पावर एन, तो उन दोनों में अगर देखोगे तो ए क्या मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा, है ना। दोनों में अगर मैं देखूं तो अगर मुझे यहाँ पे इसको माइनस करना, मैं इसको क्या लिखूंगा, ए आर लिखूंगा, उसकी पावर में हमारे पास एन रहेगा और उसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, ए आर रहेगा। तो दोनों को जब माइनस करोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, ए आर की पावर एन डॉट, अच्छा दोनों को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर की पावर एन डॉट ए आर, ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे कि ए को पूरे में से कॉमन ले लो, लास्ट वाले टर्म में कुछ गड़बड़ रहेगा यार, ए आर की पावर एन, अच्छा फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया क्या, एस एन में ए आर की पावर लास्ट वाले में क्या आता है, एन माइनस वन। पूरी सीरीज में हमेशा एक टर्म पीछे चलते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंथ जो टर्म होगा, टी ऑफ एंथ जो टर्म होगा, हमेशा हम लोग सीरीज में क्या करते हैं, एक माइनस एन माइनस वन करके चलते हैं। टी एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस, तो जो एंथ टर्म होगा सीरीज का वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक
तो इस वाली सीरीज में क्या किया है, आर से गुणा किया है, तो वो आर से गुणा करने पर एन माइनस वन, एन माइनस वन और प्लस में कौन आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए इंटू आर की पावर एन। ठीक है, उसमें भी लेकिन अभी भी एक टर्म एक्स्ट्रा ही रहने वाला है, ए आर की पावर एन तो रहेगा और बटे में आएगा ए इंटू आर, और वहां से ए इंटू आर की पावर एन रहेगा। अभी भी कॉमन लेने में कुछ ना कुछ तो बचेगा। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में अगर इस वाली सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखोगे तो इसमें इसका जो लास्ट टर्म, इस वाली सीरीज को देखो क्योंकि आर का गुणा हमने इसी में किया है, आर का गुणा इसमें किया है, तो इसके जो जस्ट पहले वाला टर्म हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, कंफर्म है एन माइनस वन हुआ होगा। इसके पहले वाला जो टर्म है टी ऑफ एन माइनस वन हुआ होगा, तो टी ऑफ एन माइनस वन का मतलब है ए आर की पावर एन माइनस टू। उसमें अगर आर का गुणा करोगे, उसमें अगर आर का गुणा करोगे तो आर का गुणा करने से ये क्या बन जाएगा, आर का गुणा करने से ये बन जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, है ना। जैसे ही हम इसमें आर का गुणा करेंगे तो इस पूरी सीरीज में हमने आर का गुणा किया है, तो इसका इस वाले से पहले वाला जो टर्म होगा ना वो टर्म कंफर्म ये होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो इस वाली सीरीज के जो टर्म कैंसिल होंगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यहां तक के सारे टर्म इसके कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक के सारे टर्म क्या होंगे, कैंसिल होंगे, मतलब ये वाला जो टर्म है ना ये लास्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, इस सीरीज का ये फर्स्ट वाला टर्म बचेगा और इस सीरीज का ये लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो उससे ना सिर्फ हमें इतना ही मिलेगा a माइनस ए इंटू आर की पावर n। अब इसमें से ना हम लोग एस एन को कॉमन कर लेंगे तो हमें अंदर मिलेगा वन माइनस आर, और यहां से मिलेगा a को कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस आर की पावर n। एस एन का जो फॉर्मूला होता है सभी को पता होगा, a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम इक्वेशन वन को टू में से भी माइनस कर सकते थे या इक्वेशन टू को वन में से भी माइनस कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब आर का मान एक से छोटा रहेगा, जब आर का मान एक से छोटा रहेगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव साइड पे है आर, और वन से जो अगर बड़ा हो गया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और जब r का मान आपके पास एक से बड़ा हो तो Sn का फॉर्मूला यूज कर लो, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब r का मान आपके पास क्या हो, एक से बड़ा हो। एक से छोटा होगा तो आपको नेगेटिव साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप वन के, अगर मान लो r एक से छोटा है तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो r को हमेशा कंडीशन क्या है, एक से क्या रहना चाहिए, बड़ा। अगर एक से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन वन माइनस आर। समांतर श्रेणी के n पदों का अगर योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अगर n पदों का योगफल निकालना है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म और वन माइनस आर लास्ट टर्म दिया हो तो उससे ना, तो ये वाले तीनों फॉर्मूले लिख लो। ये वाला फॉर्मूला जब जब अनंत पदों का योगफल दिया हो, है ना, अनंत पदों का किसी का योगफल निकालना है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और बाकी ये हो गए तीन। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद वन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वन प्लस टू अपॉन थ्री, उसके अलावा फोर अपॉन नाइन प्लस डेड डैश के प्रथम एन पदों का योगफल योग तथा एन पदों का योगफल ज्ञात, प्रथम एन पदों का योगफल, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, बार बार रिपीट कर दिया। तो इसके लिए सीरीज के लिए जब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे उससे पहले हमें आर का मान निकाल के देखना पड़ेगा। तो सीरीज का फर्स्ट जो टर्म है वो है वन, आर का जो वैल्यू निकालना है वो हमें निकालना पड़ता है ए आर अपॉन ए, मीन्स सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, इट मीन्स टू अपॉन थ्री को डिवाइड करोगे वन से, आंसर आ जाएगा टू अपॉन थ्री।
टू अपॉन थ्री का मतलब होता है 0 point something, 0.6, तो इसका मतलब है r का जो मान आ रहा है वो हमारा लेस देन आ रहा है 1 से, और जब r का मान लेस देन 1 होता है तो r को हम लोग नेगेटिव साइड पर रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है s ऑफ n का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू आर की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। हम नेगेटिव साइड पर रख सकते हैं इसको, क्योंकि r का वैल्यू जो है वो लेस देन है क्या 1 के। a का मान 1 है, 1 माइनस r का वैल्यू 2/3 की पावर n है, 2/3 की पावर n है, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस r का मतलब 1 माइनस 2/3 s ऑफ n। तो यहां से हमें आंसर मिलेगा s ऑफ n इज इक्वल्स टू, s ऑफ n इज इक्वल्स टू 2/3। पूरा सॉल्व करने के बाद इसको तो माइनस नहीं करेंगे, 3 में से ये जाएगा तो 1/3 बचेगा, 1/3 ऊपर चला जाएगा, 3 का गुणा 1 माइनस 2/3 की पावर n, ठीक है। अब इसमें क्या टर्म निकाल के पूरा सॉल्यूशन देना है क्या? नहीं देना, ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, तो समेशन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे नंबर्स को रखते जाओ और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते जाओ। पहले आप k का मान 1 रखो, उसके सापेक्ष प्लस का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे हमें निकालना है इनके पदों का योगफल। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर में तो कुछ नहीं कर सकते, 3 की पावर में पहले 1 आएगा, फिर 2 के साथ 3 की पावर में 2 आएगा, फिर 2 के साथ 3 की पावर में 3 आएगा, और प्लस डेटा डैश 2 की पावर 2 के साथ 3 की पावर कितना टोटल 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 11 तक। तो 2 के साथ हमेशा 3 आएगा, प्लस लगेगा, 2 के साथ 3 की घात 2, और ऐसे चलते चलते 11 तक जाएगा। तो 2 तुम्हारे पास टोटल कितनी बार आ जाएंगे, 11 बार आ जाएंगे। तो 2 का गुणा कितने में कर दोगे, 11 में, और तुम्हारे पास आएंगे 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3। ऐसे करते करते ये टोटल कितने आ जाएंगे, 3 की घात 11 तक, ठीक। इस वाले के लिए आंसर देखोगे तो वो आ जाएगा 22। इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कैसे डिसाइड होगा, तो वो पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ए का मान 3, आर का मान दूसरे टर्म को 3 × 9 बटा कर दो 3, कितना आ जाएगा 3। आर का मान आ रहा है ग्रेटर देन 1, आर का मान ग्रेटर देन 1 आता है तो 1 आर को हमेशा पॉजिटिव साइड पर रखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे r क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसके लिए अब जो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो योगफल मिलेगा वो मिलेगा 3 गुणा 1 माइनस टोटल n का मान तो तुम्हें पता है ना। तो r की पावर n का मतलब r का मान है 3, और 3 की पावर कितना 11, और अपॉन में आ जाएगा आर माइनस 1 मतलब 3 - 1, और उसमें प्लस करना पड़ेगा किसको, 22, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइड में कहीं पे लिख लेना वहीं पे, ठीक। 3 में से 1 जाएगा 2, 22 प्लस 3/2 और 1 माइनस 3 to the power 11। अब इसका पूरा प्रॉपर आंसर है 3 नहीं है, है ना, इतना ही है 3/2। अच्छा, अपन ने गलती किया, आर की आगे है ना ये 3 की घात 11 आगे आएगा, पॉजिटिव साइड पे रखना है ना, और 1 3 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है। तो इसका 3 की पावर 11 निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसलिए आंसर सिर्फ यहीं तक दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 4 देखो, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर है कितना, 729। सातवां पद t ऑफ 7 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, a r की घात 7
चलो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ट्राई करना तुम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी लगे हुए दो चार पे, और बाकी के कुछ क्वेश्चन लिख लो एनसीईआरटी वाले। हो गया।